सर हमारे दिल्ली से मेरे भाई आए हैं, मैं चाहता हूँ वो कुछ हंसाएंगे गवर्नमेंट के लिए सर। हाँ जी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि गुरमीत चावला मेरा नाम है, प्यार से जूनियर जसपाल भट्टी बोलते हैं। मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूं। अभी मूवी आई थी रुपिंदर गांधी गैंगस्टर 2, उसमें मैंने रोल किया। अभी रिसेंटली मूवी करके आया हूँ गिरीश मलिक जी की, जिसकी शूटिंग गंगानगर चल रही है, बैंड ऑफ महाराजा। और मैं 400 लाइव शो कर चुका हूँ, यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। मेरे को बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, आज मुंबई की धरती पर पहला शो कर रहा हूँ, तो तालियां तो बनती है। वो कहते ना कि मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दो, मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दो, ऐ मेरे साईं जी मेरे जज्बात पे काबू दे दो। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों ना लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तुम दे दो। बड़ी खुशी हुई मुझे कल्याण भाई मेरी आवाज सुनने को, एक मिनट के लिए कल्याण भाई साहब। कल्याण जी, कल्याण सर बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज। इन्होंने कहा था भट्टी साहब मेरी तारीफ ना करी तो मैंने माइक छीन लेना है। और खास तौर पे मेरा भाई यहाँ बैठा है बॉलीवुड अड्डा से, दलविंदर अगर मेरी आवाज सुन रहा है वो भी एक मिनट के लिए आ जाए, पता नहीं क्यों ना आ जाए। प्लीज कम होता स्टेज जल्दी से, दलविंदर भाई जल्दी से प्लीज। उसके बाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दलविंदर भाई, एक मिनट के लिए आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश करूंगा, समय कम है। अब मैं मुंबई आ गया हूँ जल्दी से, कोई शूट के पर्पज से आया था, और मैं 400 लाइव शो कर चुका हूँ। आप YouTube पे गुरमीत चावला लिखेंगे तो मेरे शोज देख सकते हैं। शेरी मान, गिप्पी गरेवाल, हनी सिंह, सरताज, माशा अली, इनके साथ मैं एंकरिंग कर चुका हूँ, और पिछले 10 साल से लोगों को हंसाता हूँ। दलविंदर सर कहाँ हैं? इनके लिए भी जोरदार तालियां, भी इनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और बड़ी सच्ची खुशी हुई है, कल्याण भाई कहाँ चला जाता है, समझ नहीं आती। अवार्ड मुझे बाद में दे देना यार, अच्छा दलविंदर भाई को दे दो पहले। काशी भाई कहाँ है? बड़ा स्मार्ट लग रहा है, आ जाओ यार, आपको विद्या पढ़ाई की कसम है, जल्दी आओ, क्योंकि थोड़ा समय कम है। मैंने 2-4 मिनट हंसाना भी है, ऑडियंस बड़ी देर से बोर हो रही है, और मुझे वैसे ही बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, मुंबई की धरती पे मेरा ये पहला शो है। वैसे तो मैं इतने शोज कर चुका हूँ। सबको अपने अपने मोबाइल की कसम है, रात को व्हाट्सअप नहीं चलेगा, तालियां मार दो एक बार जोरदार, क्योंकि कल्याण भाई ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, मेरे को वाकई बड़ा बॉलीवुड अड्डा नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 1 बॉलीवुड के। थैंक यू सर, मुझे पूरा साल आप लोग प्यार करते हो, मेरी चीज को चलाते हो। थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू सर। सर बोलिए। सर आपको हम दिल से नहीं फेफड़ों से भी प्यार करते हैं, क्योंकि पता क्या चक्कर है, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मैंने, देखा एक स्टेज पे अभी छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, आपने देखा होगा सारी ऑडियंस ने। सर हमारी गली के बच्चे इतने शरारती, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरा अपना भतीजा 3 साल का, 5-4 दिन पहले पेपर देने गया, प्लम्बर को साथ ले गया। मैं कह बेटे पेपर में प्लम्बर, कह रहा चाचू आप कई बार बोलते नहीं पेपर लीक हो जाता है। देखो मतलब छोटी सी बात से कॉमेडी निकल आई। मैंने वैसे ही अपने भतीजे की जनरल नॉलेज चेक करी, बड़ा शरारती टाइप है। मैं कह बेटे जिसको सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कह रहा चाचू जो मर्जी बोल लो, उसको कौन सा सुनाई दे रहा है, मतलब कभी सीधा जवाब दिया ही नहीं। इतने शरारती बच्चे हैं हमारी गली के, आप यकीन नहीं करोगे। सर 2 बच्चे आपस में पता क्या बात कर रहे हैं, कह रहा मेरे पापा इतने लंबे हैं चलता पंखा रोक देते हैं, दूसरा कह रहा मेरे पापा भी लंबे हैं लेकिन ये घटिया हरकतें नहीं करते, मतलब खड़े खड़े कॉमेडी बना रखे हैं। सर अब छोटा सा बच्चा, सर उसके पापा मोबाइल का काम करते हैं, अब उसने क्लास में एडमिशन लिया, उसके दिमाग में मोबाइल घूम रहा है। मैडम ने पूछा व्हाट्स योर नेम, कहता टाटा इंडिगो। वो कह रही व्हाट कैन यू रीड, कहता हज का छोटा 4 सिर्फ 10 रुपए में। वो कह रही तेरी लाइफ का क्या होगा, कहता सफाई से तो लाइफ है। कह रही तेरे दिमाग में है क्या, कहता एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वो कहती करना क्या चाहते हो जिंदगी में, कहता कर लो दुनिया मुट्ठी में। कह रही दफा हो जा क्लास से, कह रहा थैंक यू मैडम एयरटेल जैसी जाती होगा, मतलब हर चीज से कॉमेडी निकल जाती है। अब मैं अंदर एंटर हुआ ना, पंखा चल रहा था, मेरा दोस्त बैठा टिंकू, मैंने कहा ये पंखा लेडीज होता है कि जेंट्स होता है? कह रहा भट्टी साहब हर जगह कॉमेडी, पंखे में कैसे पता लगेगा लेडीज है कि जेंट्स है। मैं कहा यार उषा का तो लेडीज है के तार है तो जेंट्स है, छोटी सी बात से देखो कॉमेडी। आप देखो
मैंने एक चीज कल्याण भाई एक मिनट और लूंगा प्लीज, बड़ी खुशी हुई मेरे को कल्याण भाई के शो में आके। लड़कियां मैंने देखा है अभी ज्यादा परफॉर्मेंस करी थी, वो लड़कियां ही देखो कितना फील्ड में आगे जा रही है इसमें। मेरे को पूरी देश की बेटियों की एक बार सलूट है, उनके लिए जोरदार तालियां मार दो एक बार प्लीज। अब देखो मैं जरा सा टाइम दूंगा और, क्योंकि कल्याण भाई ने इशारा कर दिया है बट्टी साहब। देखो लड़कियां कैसे लड़कों से सुपीरियर होती है, मैं छोटी छोटी बात से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब मान लो चार लड़कियां बैठी हैं, एक का भाई आ जाए, तीन लड़कियां कहेंगी यार तेरा भाई बड़ा स्मार्ट है, जनरल बात है। अब गलती से मान लो कि चार लड़के बैठे हो, एक की बहन आ जाए, कह सकते हैं तेरी बहन बड़ी सोनी है, जनरल बात है। देख लीजिए लड़की सड़क पे हंसती जा रही हो ना, कभी देख लेना सड़क पे हंसती जा रही हो ना लड़की, सबने यही कहना है भट्टी साहब इसकी स्माइल बड़ी प्यारी है। दावे से कह रहा हूं लड़का सड़क पे हंसता जा रहा हो पागल लगता सड़क, कभी जनरल लोगों की स्टेटमेंट है। लड़की गिरचे ना एक्टिवा से, चार बंदे उठाने आते हैं, मैडम लगी तो नहीं आपको, ये पानी पीजिए इस लड़की का। गलती से लड़का गिर जाए तो कहते हैं ये नहीं घूम टू का क्रिश पड़ी फिरता है, मतलब छोटी छोटी बात से कॉमेडी। लड़कियां करा ले चार चार हजार की रिकॉर्डिंग, माइक थोड़ा सा देखो पीछे ऑडियंस भी कह रही माइक ना बंद करो, इनके लिए ताड़ियां मारो मैम के लिए, क्या बात है क्या बात है। मैं हरियाणा से स्पेशल परसों ही आया हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, 400 लाइव शो कर चुका हूँ पंजाबी सिंगरों के साथ, सारों के साथ मैं, और दो पंजाबी और दो बॉलीवुड फिल्म हैप्पी भाग जाएगी मूवी आई थी जिम्मी शेरगिल की, उसमें मैंने एंकरिंग करी थी। जिम्मी सर को स्टेज पे बुलाता हूँ, इतनी देर में उसकी वाइफ भाग जाती है, लेकिन मैं यहाँ किसी की वाइफ नहीं भगाऊंगा टेंशन नहीं। क्योंकि क्या चक्कर है, टेंशन वाली बात होती है, वाइफ वर्ड देखो कितना सॉफ्ट है, अब इसको डिफाइन कर दो ना टेंशन हो जाती है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। देखो मैडम कितना हंस रही है, देखो बहुत अच्छा लगा मेरे को मैम ने कहा भाई साहब ये थोड़ा डिसर्विस कर रहे हैं। अब देखो कितना प्यारा वर्ड है वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। घर से निकलेंगे ना चार बातें वाइफ की तैयार होती है, कितने चले हो, क्यों चले हो, समय की नजाकत को देखते हुए कल्याण भाई कह रहे हैं पर जिंदगी में लास्ट एक चार लाइनें बोल दूं, कहते हैं कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की ठोकर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा बनाइए। अगले अमित गहलोत जी जो कि दिल्ली से आए हैं स्पेशल इस शो के लिए, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा, और एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि श्री साईं गुरु माया एक बार पुनः मंच पर मेरे को सर आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और मैं स्पेशल बॉलीवुड अड्डा जिन्होंने मेरे मित्र खड़े हैं सामने उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया, और बॉम्बे के अंदर मेरा पहला शो है मुंबई के अंदर, तो मेरे को बड़ी खुशी और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं यमुनानगर हरियाणा में रहता हूँ तो, लेकिन मैं बॉम्बे पिछले 5-4 दिन पहले आया हूँ, मेरे ब्रदर की फैमिली यहाँ रहती है, तो मेरे मित्र यहाँ मेरे को लेके आए, मेरे को सच्ची बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है यहाँ पे शो करके। आपने हाल ही में लाइव काम करने का अनुभव बताइए रुपिंदर सिंह का। हाँ रुपिंदर गांधी गैंगस्टार 2 अभी पंजाबी मूवी जो एक सच्ची कहानी पर निर्धारित थी, खन्ना का गैंगस्टार था उसमें मेरा एक कॉमेडियन रोल है छोटा सा, वो मेरे को करने का मौका मिला। उसके बाद अभी बॉलीवुड फिल्म रिसेंटली करके आया हूँ, वो जो मूवी है ये अभी आपको मैंने बताया बैंड ऑफ महाराजा, गिरीश मलिक जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी शूटिंग में मेरे को मतलब रोल करने का मौका मिला, मेरे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है सर। आगे मैं सर जिंदगी भर लोगों को सताता रहूँगा जब तक दिल में जान है, और मैं कॉमेडी करता रहूँगा अपनी लाइफ में। मैंने अभी आपको बताया स्टेज पर भी बताया कि मैं 400 लाइव शो कर चुका हूँ, और मैं पूरी जिंदगी जब तक जान है लोगों को सताता रहूँगा, क्योंकि हंसी सबसे बड़ा मेडिसन है, तो मैं ये जिंदगी में हमेशा करूँगा। और कुछ कहना है? धन्यवाद स्पेशल मीडिया का, थैंक यू।